नैनीताल जिले से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल कोटा बाग सौड़ मोटर मार्ग पर एक भीषण कार हादसा हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों ओखल कांडा में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ था जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आज एक और दुखद सड़क हादसा हुआ है। वहीं DM नैनीताल ने इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि की है। जिला प्रशासन ने इस घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया। DM नैनीताल के मुताबिक दुर्घटना कल देर रात की हुई है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों को आज दोपहर लगभग 2 बजे सूचना प्राप्त हुई। वहीं दुर्घटनाग्रस्त कार दिल्ली की बताई जा रही है और अब यह सड़क हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। ये जो कोटाबाग ब्लॉक में बागनी गांव से के आसपास गाड़ी गिरने की घटना कल रात अभी संज्ञान में आई है। घटना जो हुई है वो देर रात हुई है और इसकी जो सूचना मिली है वो आज लगभग 2:15 बजे प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना मिली है। स्थानीय जो पुलिस की टीम है वो मौके पर अभी पहुंच गई है, वहाँ रेस्क्यू चल रहा है और स्थानीय जो राजस्व अधिकारी हैं वो भी वहाँ मौके पर पहुंच गए हैं। अन्य जो SDRF वगैरह की टीमें हैं वो अभी कोटाबाग से लगभग आधे घंटे की दूरी पर हैं, वो पहुंच जाएंगे। इसमें 5 लोगों की मृत्यु की सूचना आ रही है। गाड़ी की जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो दिल्ली नंबर की एक गाड़ी है। ये देवीपुरा सोड़ करके इस मार्ग को इस नाम से जाना जाता है। PMGSY की सड़क है, गाँव की ब्रांच रोड है। तो अभी जो डिटेल सूचना आएगी दुर्घटना के कारण वगैरह के संबंध में वो जब सभी तकनीकी अधिकारी मौके पर पहुंच जाएंगे। हमने रोड एजेंसी के अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है, वो लोग भी रास्ते में, वो भी वहां पहुंच रहे हैं। इसको फिर डिटेल में हम लोग आपको टेक्निकल जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी दुर्घटना के कारण इत्यादि के संबंध में वो